आज सीकर आया दिल्ली से। सीकर सिखावटी का एक प्रमुख केंद्र बनते जा रहा है शिक्षा की दृष्टि से। जैसा कि हम लोगों का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज आईएएस आरएएस के परीक्षा में मार्गदर्शन का, तो उसके लिए यहाँ पे उभरते हुए केंद्र बुदानिया आईएएस जो इस पूरे राजस्थान में एक नए केंद्र के रूप में काफी तेजी से उभर रहा है। और जैसा कि अमित बुदानिया जी हैं, इनकी जो प्रतिबद्धता मैंने देखी बच्चों के प्रति, बच्चों को एक क्वालिटी शिक्षा देने के लिए, तो उससे काफी प्रोत्साहन मिला, काफी अच्छा लगा। जयपुर में, जोधपुर में, इन सभी केंद्रों पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए छात्र जाते हैं राजस्थान से आईएएस के लिए आरएएस के लिए। सीकर में निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोगों का समर्थन इस केंद्र को रहेगा और कोशिश करेंगे कि जो श्रेष्ठ अपना जो बेस्ट हो सके वो यहाँ पे जो बच्चे बच्चियां हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये यह लगी कि क्लास में बच्चियों की संख्या काफी ज्यादा है, तैयारी करने वाले लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, जो निश्चित रूप से उत्साहजनक है। और मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, मैं पूछूं क्लास में कि कहीं लड़कियों का रिजर्वेशन है क्या आरएस में, तो बताया गया कि हाँ रिजर्वेशन है। तो जहां भी जिस भी स्टेट में लड़कियों के लिए रिजर्वेशन वाली बात आ रही है, तो लड़कियों की संख्या क्लास में एकदम से बढ़ जा रही है। जैसा कि यहाँ पे देख रहा हूँ, या मध्य प्रदेश में है सबसे बड़ी, अभी नया बिहार में है, बीपीएससी में है, वहां भी 35% लड़कियों का रिजर्वेशन किया गया और एकदम से लड़कियों की संख्या में। तो विमेन्स एम्पावरमेंट में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसा आईएएस और आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू, तीनों में इंडियन इकोनॉमी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रहा है अभी भी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया भी है, कंसंट्रेशन बच्चों का नहीं बन पाता है, स्वयं स्वयं पढ़ने के दौरान भी और पढ़ाने के दौरान भी। तो इस चुनौतीपूर्ण खंड के लिए मैं यहाँ पे हूँ और बच्चों का मार्गदर्शन आज से हमने सुबह से शुरू किया और दो पार्ट में, अभी 3 दिन और नेक्स्ट 3 दिन जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे दूंगा। बच्चों का इकोनॉमी की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। जो दूर दर्ज, जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, अभी दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, उनके लिए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उनके पास तक एक इकोनॉमिक्स का सिलेबस और जो जो नई बातें यहाँ पे उभर रही हैं जिसके ऊपर उनको फोकस करने चाहिए आरएएस मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए या इवन आईएएस के लिए, ठीक है, उस यही विषय आज के इस परिचर्चा का मुख्य भाग है। आरएएस मेंस के सिलेबस की बात करें तो इसमें कई सारे यूनिट हैं। एक है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, और इसमें जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस हो भी रहे हैं, नई सरकार द्वारा भी कई सारे उपाय किए गए हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देकर के इसे गति प्रदान की जाए, स्थायी गति प्रदान की जाए। इसके लिए एक और टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग का, जिसमें कि आरबीआई, बैंकिंग व्यवस्था और शेयर मार्केट, इस तरह की बातें हैं। एक तीसरा टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का है, सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त के नाम से जिसको सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर एक फोर्थ टॉपिक है मिसलिनियस, उसमें है कई सारे मुद्दे उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये 4 टॉपिक मैंने देखा पेपर में है उसके इकोनॉमी वाले आरएएस मेंस के इकोनॉमी सेक्शन में। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के भी मुद्दे हैं, उसमें भी 3 टॉपिक हैं। ये सारे 7 टॉपिक की चर्चा हम लोग यहाँ पे प्रारंभ किए हुए हैं। अब यहाँ पे हैं, जैसे पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस का हर टॉपिक के साथ एक मुख्य भाग है कि इसके अद्यतन मुद्दे, जो नए परिवर्तन हो रहे, जो नई प्रवृत्तियां इसमें उभर के आ रही हैं, सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होने जा रहे हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं, उस संदर्भ में जाएंगे। तो एक एक टॉपिक की अगर बात करें, जैसे कृषि की बात करें जो प्राथमिक क्षेत्र की एक मुख्य क्रिया है, तो इसमें अभी नई सरकार के द्वारा जो मुख्य फोकस हो रहा है वो अगले 5 वर्षों में किसानों के आय को दोगुना करना, और इसी दोगुना करने के क्रम में सारी नीतियों का, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, स्कीम है, मिशन है, वो सारे को रीस्ट्रक्चर किया गया है और किसानों के आय को दोगुना करने के लिए 7 सूत्र इन्होंने निर्धारित किया हुआ है। और 7 सूत्र में निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात है, किसानों को उसके उत्पाद का उचित मूल्य देना है, सहायक कृषि क्रियाओं को बढ़ावा देना है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये नई सरकार द्वारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग योजनाएं और सारे हैं, उसको इस 7 सूत्र के माध्यम से इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। और ये निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि किसानों की आय को दोगुना करना ये कोई फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम नहीं है, इसका एक लार्जर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गांवों का देश है
और जहाँ यहाँ पर 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 68% जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव में रहने वाले लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है, 49% लोग कृषि पर निर्भर भी हैं। अब ऐसी स्थिति में 68% लोग गांव में रहते हैं मुख्य क्रिया, और ये 68% को अगर 1,34,00,000 लोग जो अभी वर्तमान भारत की जनसंख्या है उससे कंपेयर करें तो करीब ये 80 करोड़ से अधिक की जनसंख्या बनती है, और इस जनसंख्या की आय अगर बढ़ जाए तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि इसका इकोनॉमी पे कितना दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में जाएंगे तो इससे किसानों की बचत और बचत से निवेश और निवेश से एक अर्थव्यवस्था के लिए एक घरेलू स्रोत से पूंजी की व्यवस्था हो जाएगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष ये आता है, और आप भी जानते हैं कि जैसे बजट में बचत है, बचत में सबसे अधिक भागीदारी घरेलू क्षेत्र की होती है, और ये घरेलू क्षेत्र का दायरा अगर बढ़ जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्राप्त होगी। विदेशी पूंजी पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, बैंकों की पूंजी पर हमारी निर्भरता कम होगी, इस तरह से बचत जाएगा। और दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लेकर के भारत आज विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, और वह है कि एक भारत का एक उभरता हुआ काफी तेजी से विकसित हो रहा परचेजिंग पावर के साथ, क्रय शक्ति के साथ विकसित हो रही उपभोक्ता बाजार, कंज्यूमर मार्केट। अब आप खुद इमेजिन करके देखें कि किसानों की आय अगर दोगुनी हो जाती है, उसके परिवार की आय वृद्धि हो जाती है, तो कितने बड़े पैमाने पे डिमांड होगी, कितने बड़े पैमाने पे मांग होगी, और इतने बड़े पैमाने पे 80 करोड़ लोगों द्वारा जब मांग की जाएंगी आय बढ़ने पर, तो आप सोच के देखें कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेगा। और सारे जितने भी पॉलिटिकल सुपर पावर आज आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे इवन चाइना है, वो भारतीय बाजार के मुंह से अपने आप को बाहर नहीं कर पाएंगे। चाइना को भी पता होगा कि अपने उत्पादों को एक जगह बेचने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई बाजार हो सकता है तो भारत है। तो भारत से पॉलिटिकल कोई टसल करने से अच्छा है कि भारत से राजनीतिक रूप से कोई अच्छे संबंध रखे जाए जिससे कि यहाँ के उभरते बाजार का उपयोग किया जा सके। तो ये सारी बातें एग्रीकल्चर किसानों की आय को दोगुना करने से, ये सारी बातें भारत पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होगा, किसानों का भी कल्याण होगा, कई सारे किसानों की जो आत्महत्या की घटनाएं हैं वो आत्महत्या की घटनाएं भी कम होंगी। ये सब बातें इसमें आते हैं। अगर उद्योग की बात करें तो ये तो कृषि का है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये सारे किसानों की आय को दोगुना करना एक पक्ष है। दूसरे टॉपिक की बात करें जैसे इंडस्ट्री है, उद्योग है, तो निश्चित रूप से भारत का दुर्भाग्य GDP में उद्योग की जिस रेशियो में भागीदारी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की जिस रेशियो में भागीदारी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई, और उसका मुख्य कारण रहा कि भारत सरकार के द्वारा या पीछे वित्तीय समावेशन नहीं रहा। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, बड़ी जनसंख्या के लिए श्रम आधारित उत्पादन प्रणाली चाइना ने अपनाई, और उसके अकॉर्डिंग उसका कृषि का भी विकास हुआ, सेवा क्षेत्र का भी विकास हुआ, और उसके पीछे सबसे प्रमुख रीजन रहा है वित्तीय समावेशन। वहां पे किसी एंटरप्रेनर के पास अगर कोई आइडिया है तो वहां पे वित्तीय संस्थाएं पूंजी लेकर के उपलब्ध है। भारत में अब जाकर के मेक इन इंडिया के माध्यम से या स्टार्टअप के माध्यम से या मुद्रा योजना के तहत, जैसे स्टार्टअप की ही बात करें तो स्टार्टअप में अब जाकर के एक नवयुवक है, अगर एक इंजीनियर है या कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट है, अगर उसको लगता है कि ये आइडिया को आगे बिजनेस के रूप में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो काफी सक्रियता से अपना प्रपोजल बनाता है। और अच्छी बात है कि स्टार्टअप जो योजना है उसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया हुआ है जहां से ऐसे उद्यमियों को कर्ज दिया जाता है। साथ ही निजी स्तर पर भी बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बना रखा है। उसी तरह से जाएंगे तो रतन टाटा है, ये सारे लोग एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इनको जहां भी मार्केट में कोई अच्छी आइडिया दिखाई देती है उसमें यह पैसा लगाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज की डेट में इंडिया में भी भारत में भी जाएंगे तो अगर पूंजी उपलब्ध होने लगेगा छोटे उद्यम से लेकर मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमों में, उसके ऊपर जा रहे स्टार्टअप के तहत, स्टैंडअप के तहत, या MSME है उसमें CDB के माध्यम से, या बड़े उद्योगों के, अगर पूंजी उपलब्ध होने लगेगा तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना या औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ावा देने में कठिनाई नहीं होगी। भारत सरकार भी इसके लिए ये सारे मिश्रणीय उपायों के साथ साथ बड़े उपाय, नीतिगत उपाय भी प्रस्तावित है जो कि एक RAS की तैयारी या IAS की तैयारी करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। वो है दो बातें। एक बात है जो 1991 में नई औद्योगिक नीति आई थी, 1991 आज से लगभग हमें लग रहा है कि 18 और 9, ठीक है, ये करीब 27-28 साल हो चुका है ये, ठीक है, 27 साल होने के बाद अभी भी 1991 की औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति के नाम से जाना जाता है, ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यजनक बात है। परिस्थितियां, तब की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में भारी अंतर आ चुका है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब एक नए औद्योगिक नीति लाने की जरूरत है जो समकालीन चुनौतियों को एड्रेस करता हुआ हो, समकालीन चुनौतियों के समाधान करता हुआ हो, जैसे MSME और स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग से नीति होनी चाहिए,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग से नीति होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के संदर्भ में तकनीक का, इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में, उसके लिए अलग से नीति होनी चाहिए। श्रम आधारित उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना, ये भी एक नीति का भाग होना चाहिए। तो अब की चुनौतियां 1991 की चुनौतियों से भिन्न है और इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति में ये सारी चुनौतियों को एड्रेस करते हुए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। अच्छी बात यह है कि नई सरकार ने अक्टूबर 2017 तक ही टारगेट उनका था कि नई औद्योगिक नीति ले आए। उसके लिए उन्होंने 6 सब कमिटीज बना दी थी जो अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने सुझाव देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर थे वो चेंज हो गई, उनकी जगह पे सुरेश प्रभु जी आ गए हैं। मिनिस्ट्री में चेंज होने से हो सकता है कि थोड़े बहुत पॉलिसी में कुछ डिफरेंस है, जाए नए मंत्री नए अप्रोच के साथ कुछ करें, तो इसलिए अभी तक नई औद्योगिक नीति नहीं आ पाई है, लेकिन सरकार के विचाराधीन है। एक बात यह है जो कि विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि इस नई प्रस्तावित जो नई औद्योगिक नीति है उसमें कौन कौन सी नई बातें आ रही हैं और उसका इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एक और नई बात है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 या जर्मनी में सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, वो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, औद्योगिक क्रांति 4.0। ये भी एक नई अवधारणा है, भारत में भी इसके लिए एक स्मार्ट इंडस्ट्री स्मार्ट उद्योग की स्थापना, जैसे आज तो स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है या स्मार्ट पर्स एंटरप्रेनर की बात हो रही है, सब बातें हो रही है, लेकिन एक स्मार्ट फैक्ट्री और इसे स्मार्ट फैक्ट्री को किस तरह से ठीक है नई चुनौती नए उत्पादन प्रणाली नए मांग के अनुसार किस प्रकार उसको विकसित किया जाए और उसे उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए ठीक है, इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4.0 की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति आधुनिक विश्व की एक प्रमुख घटना रही है। सबसे पहले 1780 के आसपास में ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, फिर जाकर के उसको प्रथम चरण का औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0 कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2.0 1870 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास तक चलता है और उसमें अब जाकर के कई सारे नए इन्वेंशंस आ चुके थे, नए नवाचार आ चुके थे, आविष्कार आ चुके थे और उसमें आप जानते हैं बिजली का उत्पादन होना शुरू हो गया था। इवन भारत में भी बिजली का उत्पादन हो रहा था। आप जानते हैं कि देश का पहला उत्पादन केंद्र 1897 में 1902 में विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ था। तो ये सब अब नए आ चुके थे, बल्ब आ चुका था ठीक है, मशीन का जो इंटरनल कंबसन इंजन है वो सब आ चुके थे ठीक है, जो दहन इंजन होते हैं ठीक है, डीजल पे चलने वाले इंजन, पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बढ़ गया था ठीक है, ये सब बातें हो गई थी। तो उसके इससे प्रभावित जो आर्थिक क्रिया थी उसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2.0 के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3.0 आया जो 1970 के बाद देखने को मिलता है, जो डिजिटल इकोनॉमी जैसे सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग, ये सब बातों पर आधारित है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात करिए 2015 के बाद, और 2015 के बाद में अब इसमें एक स्मार्ट फैक्ट्री के अंदर में सारे इंटरेक्शन बिटवीन मशीन M2N मशीन एंड मैन, जो वर्कर काम कर रहा है, जो मशीन काम कर रहा है, इसमें इंटरनेट का सेंसर्स का उपयोग करके सबको एक दूसरे से जोड़ देना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, एक मशीन में कोई खराबी आ रही है तो वो मशीन पहले ही बता देगा कि मेरे अंदर में कोई खराबी आ रही है ठीक है, और वो उसी में सेल्फ करेक्टिव मेजर भी उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। जितने भी एक व्यवसाय के जितने भी कंपोनेंट्स है सबको इंटरनेट एज ए थिंग के रूप में उसको जोड़ दिया जाएगा, उसको उपयोग में लाया जाएगा। मैन को मशीन से, मशीन से मशीन को फिर रोबोट से जोड़ दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज होने लगेंगे, फिर जो कमर्शियल जो ट्रेडर्स हैं उनसे उसको जोड़ दिया जाएगा, वहां की मांग क्या, वहां के फीडबैक के अनुसार उद्योग में फीडबैक आने लगेंगे, वहां से उत्पादन होने लगेगा, सब माने इंटरनेट एज ए थिंग इस्तेमाल होने लगेगा। अभी इंटरनेट एज ए फैसिलिटी इस्तेमाल होता है, सुविधा के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज है, तो इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का भी नई अवधारणा आ रही है और उसमें निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धि का बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इनकरेज्ड। तो ये उद्योगों के संदर्भ में देश में काफी हलचल है। आप जानते हैं कि विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना के विकास के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक समेकित रूप से एक विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करके उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना या व्यवसाय को बढ़ावा देना, और उसके ऊपर फिर मेक इन इंडिया आ रहा है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई प्रस्तावित है, उसके ऊपर जाएंगे तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, और ये सबके माध्यम से ये कोशिश होगी कि देश को औद्योगिक हब के रूप में मैन्युफैक्चरिंग चाइना व्हाट एवर चाइना इज लूजिंग दैट शुड बी ग्रैब्ड बाय इंडिया, जो चाइना के द्वारा लूज किया जा रहा है वो इंडिया उसको उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर ले, और ये सारे उपाय उसके तहत हैं। तो उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में भी जाएंगे तो काफी हलचल है और सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बना करके फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लस सर्विसेज को भी डेवलप किया जाए ठीक है, ये बातें हैं। टैक्स रिफॉर्म भी उसमें हो रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। तीसरा क्षेत्र है सर्विस सेक्टर। आरएएस के सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र के बारे में, अदरवाइज कहीं आईएएस वगैरह के सिलेबस में सेवा क्षेत्र से जुड़ा कोई सिलेबस हाईलाइटेड नहीं है,
अदरवाइज आप जानते हैं कि भारत के जीडीपी में सबसे प्रमुख भागीदारी सेवा व्यवसाय की है, सेवा क्षेत्र की है। पर्यटन उसका कोर एरिया है, उस तरह से जाते हैं सॉफ्टवेयर का है, बीपीओ के पीओ की बातें, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, या उसी तरह से जाएंगे तो कमर्शियल सर्विसेज उसमें आते हैं, उसमें हेल्थ आता है, उसमें एजुकेशन से जुड़े हुए व्यवसाय आते हैं, उसी इस ये सब बातें आती हैं। और भारत सरकार ने जैसे सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 शुरू किया हुआ है, और उसके तहत किस प्रकार से 2032 तक भारत को इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 के तहत इस प्रकार विकसित करना जिसे 2032 में ओलंपिक करा करके, जो समर ओलंपिक होता है वो करा करके, और भारत को विश्व पर्यटन के नक्शे पे, खेल के नक्शे पे तो लाना ही, साथ में विश्व पर्यटन के नक्शे के ऊपर भी ले आना भारत सरकार का उद्देश्य है। तो भारत सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र के में भी बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र में काम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी काम हो रहा है, इंडस्ट्री में भी काम हो रहा है, और फिर लास्ट में जाएंगे तो आपका सेवा क्षेत्र में भी काम हो रहा है। आरएएस के सिलेबस के अन्य बातें, अगर अन्य जो टॉपिक्स ले लें, जैसे लोक वित्त की बात है, तो लोक वित्त में जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि तीन बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक वित्त के संदर्भ में हो सकता है। एक है आरबीआई और उसके कार्य प्रणाली में संशोधन की प्रक्रिया जारी है ऑलरेडी, जैसा कि मौद्रिक नीति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दरों का निर्धारण होता है, और ब्याज दरें पहले ब्याज दरों के निर्धारण में या मौद्रिक नीति के निर्धारण में आरबीआई के गवर्नर की मुख्य भूमिका होती थी, वो जो चाहते थे वही करते थे और उनके सोच के अकॉर्डिंग ब्याज दरें तय होती थी, और ब्याज दरों के अकॉर्डिंग फिर देश में उत्पादक पूंजी और उपभोक्ता पूंजी उपलब्ध होता था और उसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास के ऊपर देखने को मिलता था। कई बार वित्त मंत्री चाहते थे कि उसको कम किया जाए, ब्याज दरों को कम किया जाए, लेकिन रघुराम राजन जी थे या और अन्य जो डी सुब्बाराव जी थे, तो ये कई बार वित्त मंत्री से डिफरेंसेस रखते थे और ब्याज दर को कम नहीं करते थे। इस चुनौती को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए सरकार ने बजट 2017-18 में एक फिजिकल पॉलिसी के तहत ही जो आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया, और संशोधन करके उसमें एमपीसी के गठन का प्रावधान कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और आरएएस में 15 शब्द का या 50 शब्द का प्रश्न बनता है, मौद्रिक नीति समिति। और इस मौद्रिक नीति समिति में जाएंगे तो आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें तीन सदस्य सरकारी हैं, देयर आर 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई, तीन सदस्य। इसका लार्जर मीनिंग ये हुआ कि अब मौद्रिक नीति के निर्धारण, जो कि आरबीआई का एक्सक्लूसिव राइट होता था आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से, अब उसमें सरकार की भी भागीदारी हो गई, और सरकार की बातों की, सरकार के ओपिनियन की आरबीआई द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती, या गवर्नर के द्वारा भी सरकार की बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती, या आरबीआई के जो अन्य दो सदस्य हैं उनकी बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती। एक वहां पे मौद्रिक नीति में काफी चेंजेस आ रहे हैं। दूसरे जो सेकंड उसी में जाएंगे तो जैसे डीमोनेटाइजेशन देश की सबसे बड़े हलचल मचाने वाली घटना रही है, ठीक है, विमुद्रीकरण, और वो भी आरबीआई के कार्य के, आरबीआई एक्ट 1934 करेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग, या आरबीआई के सेक्शन 23 से 26 के बीच में जो आरबीआई की धाराएं हैं, आरबीआई एक्ट की धाराएं हैं, उसके तहत ये सारे विमुद्रीकरण किए गए थे, और वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां भी चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा जाएंगे तो सरकार के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में, या आपके सिलेबस में हाई पावर्ड करेंसी, उच्च शक्ति मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा, ये सब बातें उसमें हैं जो हम लोग रेगुलर क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जाएंगे बैंकिंग वाले में काफी वहां पे हलचल है, और उसमें एक है रिकंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स। पहले होता था कि छोटे छोटे बैंक स्थापित किए गए, एसबीआई के साथ सात उसके सहयोगी बैंक जोड़े गए, 1959 की बात करें, 1959 की बात करें, और आज 1 अप्रैल 2017 को सारे सहयोगी बैंकों को मर्ज करके एक एसबीआई कर दिया गया, भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया गया। और कई बार रूमर आता है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है सबको मर्ज करके चार बैंक बना दिया जाएगा, अर्थात अब छोटे छोटे बैंक नहीं रहेंगे, बड़े बैंक रहेंगे, और बड़े बैंक रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, कई सारे इसमें इश्यूज होते हैं, करप्शन कम हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा बैंकों के कर्ज देने की क्षमता बढ़ जाएंगी। कोई कंपनी अगर आती है, ठीक है, कंपनी आती है और आकर के अगर कहे कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपया लोन चाहिए, तो अगर ये रिकंसोलिडेटेड बैंक अगर रहेंगे तो ये 1 लाख कंपनी की मांग के 1 लाख करोड़ रुपया उपलब्ध कराने में ये सक्षम होंगे। तो बड़ी कंपनियां, जैसा कि उद्योगों के संदर्भ में भी हो रहा है कि पीएससी, उसको बोला जाता है पीएससी मेजर, सीपीएससी मेजर, माने सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे, जैसे ऑयल एंड गैस, तेल और गैस के संदर्भ में जो कंपनियां काम कर रही है वो सब अलग अलग, ONGC अलग है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अलग है, IOL अलग है, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम अलग, सब अलग अलग है, सबको मर्ज करके एक ऑयल मेजर क्यों नहीं बना दिया जाए। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कहीं बिडिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये मेगा बिडिंग कर सकती है, इस तरह की कंपनी, इनकी बिडिंग करने की क्षमता, या चाइना की जो कंपनीज है उनकी उनकी चुनौती का सामना करना इनके लिए आसान हो जाएगा।
तो इसमें जाएंगे तो फिर ये हो रहा है, माने बैंकों का रिकॉन्सलिडेशन हो रहा है, वित्तीय समावेशन आप जानते हैं, भुगतान बैंक, ठीक है, वित्तीय समावेशन नचिकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भुगतान बैंक आए थे, पेमेंट बैंक आया था, अब बड़े पैमाने पर डिजिटल जो पेमेंट की बातें हो रही हैं, भीम ऐप है, चाहे जो भी सब चीजें उसमें आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है बैंकों के सामने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस बैंक कोलैप्स कर जाएंगे, सरकार बिल्कुल सीरियस है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि कई सारे बड़े बड़े उद्यमी उद्योगपति को जेल भेजा जा रहा है, या इवन उनसे ये कोशिश की जा रही है कि उनके पैसे, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि अनिल अंबानी ने एक इकोनॉमिस्ट टाइम्स में उनका बड़ा सा इंटरव्यू आया था, और उसमें उनको फोर्स किया गया कि अपने रिलायंस कम्युनिकेशन को पहले कि उसके ऊपर जो कर्ज है पहले उसको सेटल करें, तब किसी अन्य उद्यम के लिए, उनके द्वारा हेडेड कोई भी अन्य उपक्रम है उसके लिए उनको कर्ज दिया जाएगा। इस कंडीशन के कारण अनिल अंबानी ने अपने रिलायंस कम्युनिकेशन को बंद किया, उससे जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उन्होंने बेचा, बैंक का लोन क्लियर करने की प्रक्रिया में है, तब जाकर के उनको दूसरे उनके उद्यम है उसके लिए, उनको दूसरी जो उनकी कंपनियां हैं उसके लिए उनको पूंजी मिल पाएगा। तो इस तरह से सरकार भी, आरबीआई भी, बैंक भी काफी टफ है अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए, गैर निष्पादनीय, इस मुद्दे पर भी कई सारी चीजें हो रही है। तो बैंकिंग वाले टॉपिक में भी जाएंगे तो हलचल है, नई नई चीजें इसमें हो रही है, जिसको कि एक तैयारी करने वाले छात्र को फॉलो करते रहना चाहिए। इसके बाद जाएं इसमें पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक में, तो पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त वाले टॉपिक में जाएंगे, तो आप जानते हैं कि बजटीय प्रक्रिया एक इंपॉर्टेंट है, और बजटीय प्रक्रिया में चेंजेज हो रहे हैं। और अभी अगर आज की बात करूं तो जैसे कल ट्विटर पे मैं देख रहा था कि जो हलवा सेरेमनी होती है, हलवा सेरेमनी का करने के बाद बजट 2018-19 प्रिंटिंग में चला गया कल से, और प्रिंटिंग में जब बजट जाता है तो बजट से जुड़े हुए जितने कर्मचारी होते हैं सबको जहां पे प्रिंटिंग होता है वहां पे सबको बिठा दिया जाता है, ना तो उनके पास फोन होते हैं, ना तो वो किसी से बात कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। जब वित्त मंत्री बजट लोकसभा में प्रस्तुत कर देंगे तब उनको बाहर जाने दिया जाता है, ठीक है। तो ये बजट प्रिंटिंग की प्रक्रिया में है। अब उसके अंदर में क्या है आप उस पे अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कृषि क्षेत्र के लिए, जैसा कि इस बार आ रहा है कि बजट में कृषि क्षेत्र के पर मेन फोकस होगा, कुछ लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो छूट है इनकम टैक्स से, जो छूट दी गई है 2.5 लाख रुपए तक, शायद उसको बढ़ा के 3 लाख किया जाए। बीच में तो यहां तक बातें आती थी कि मेजर स्ट्रक्चरल चेंज होगा इसमें, 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड होगा, 4 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख, इस तरह की बातें आ रही थी, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी जो जीएसटी का जो राजकोषीय प्रभाव है, इस प्रभाव को देखते हुए, जीएसटी का जो फिजिकल इम्पैक्ट है उसको देखते हुए, सरकार इनकम टैक्स के फ्रंट पे बहुत ज्यादा रिस्क लेगी। देखते हैं 1 फरवरी को बजट आना है, जैसा कि नया जो 2017-18 से बजटीय सुधार किए गए उसमें पहले बजट लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आता था, अब बजट फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आ रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि हमारे सामने बजट जो नियमित बजट है वो हमारे सामने आ जाएगा 1 फरवरी को। इकोनॉमिक्स के टीचर के रूप में काफी अच्छा लगता है कि फिर हमें अपने सिलेबस के लिए नई नई बातें मिल जाती हैं जो कि बच्चों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। तो ये भी है उसमें, जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं टैक्स रिफॉर्म की प्रक्रिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ऐतिहासिक, ठीक है। इसको लेकर के विरोध भी रहा, सही समय नहीं है, सही तरीके से नहीं किया गया, लेकिन अब जैसा कि अभी जो 24th जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसमें जो उपाध्यक्ष हैं सुशील कुमार मोदी, जीएसटी काउंसिल में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसमें एक चेयरमैन तो वित्त मंत्री होते हैं, अध्यक्ष तो वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष सुशील मोदी हैं जो बिहार के वित्त मंत्री हैं। उनका कहना था कि जीएसटी को लागू करने से जो जो एक तरह से तूफान उत्पन्न खड़ी हुई थी वो तूफान अब जाकर के सेटल हो गया, अब धूल सेटल हो रहा है, अब किसी को कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे अगले चरण में, अब जब धूल सेटल्ड हो जाए तो अगले चरण में सरकार और उसके एजेंसियों के काम शुरू होते हैं कि सारे कोचिंग वालों को पकड़ना, सारे बच्चों को जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वही वो जीएसटी दे, अपने फीस जब दे रहे हैं तो वो जीएसटी दें, कोचिंग वाले उस जीएसटी को लेकर के सरकार को दे, या ऐसी सारी संस्थाएं जो जीएसटी नहीं दे रही हैं वो सारी संस्थाएं अब उनको जीएसटी के दायरे में ले आया जाए। जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया वो कराएं, जिन्होंने पंजीकरण कराया और टैक्स नहीं देते हैं वो टैक्स दें, ठीक है। इस तरह की बातें, इवन इंडिविजुअल भी जो है, कई जगह पे कई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको जीएसटी के दायरे में लिया जाता है, जिनको जीएसटी के दायरे में रहना चाहिए और जीएसटी में नहीं है वो, उनको भी जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की जाए। अब सेकंड पार्ट में ये किया जाएगा और फिर थर्ड पार्ट में इसका मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और टैक्स कलेक्शन का बढ़ना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि बार बार मैं बताता हूँ कि भारत जैसे बड़े देश का बजट 21,46,000 करोड़ का नहीं हो सकता। आप इस 21,46,000 करोड़ रुपए के बजट से आप देश में कोई भी मेगा परियोजना लेकर नहीं चला सकते। चाइना सीपेक जो चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप सोचो पाकिस्तान में आकर के इतना बेस्ट ऑफ हाईवे डेवलप कर रहा है
और भारत सरकार की स्थिति ये है कि इसके पास इतने पैसे नहीं है कि इवन राजस्थान में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर के और उसको डेवलप कर ले। तो भारत जैसे देश इतने 1 अरब 34 करोड़ की जनसंख्या, थोड़े दिन के अंदर में भारत चाइना की जनसंख्या से अधिक हो जाएगा। चाइना की जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ है, भारत की जनसंख्या ऑलरेडी 1 अरब 34 करोड़ हो चुका। अब इस स्थिति में जाएंगे तो जब तक आपके पास रेवेन्यू आधार आपका बढ़ेगा नहीं, टैक्स आधार नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का विकास, बजट का साइज नहीं बढ़ेगा, और बजट का साइज नहीं बढ़ेगा तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा निवेश होता है वो निवेश नहीं हो पाएगा और आर्थिक विकास की प्रक्रिया बाधित रहेंगी। सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है जीएसटी के माध्यम से। निश्चित रूप से थोड़े दिन बाद इससे और इससे जो आय बढ़ेंगे उससे देश को मजबूती मिलने में देश को मजबूती मिलेगा, ठीक है। एक ये भी है। दूसरा सब्सिडी वाले मुद्दे पे, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2013 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत की गई थी और अभी के सूचना के अनुसार करीब 400 योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप जानते हैं कि योजनाओं के हस्तांतरण की जो लागत होती है वो कम हो जाती है, लीकेज कम हो जाता है और जो लाभार्थी है उस लाभार्थी को 100% लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी है, सब्सिडी मेन टॉपिक है सब्सिडी का। और सब्सिडी सुधार, प्रत्यक्ष सब्सिडी या प्रत्यक्ष सब्सिडी, जो डायरेक्ट सब्सिडी है उसका एग्जांपल है डीबीटी और उसके तहत उसके क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, ये सब बातें आपके सिलेबस की बात है, हम लोग करेंगे इसमें। जो नेक्स्ट इसी लोक वित्त वाले टॉपिक में एक बहुत महत्वपूर्ण जो कदम सरकार ने उठाया है वो है 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन। आप जानते हैं 15वें वित्त आयोग के लिए ये सबसे चैलेंजिंग टाइम है, चुनौतीपूर्ण टाइम है। और एन के सिंह जो कि एफआरबीएम कमीशन बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे, केंद्र सरकार से नजदीकी से जुड़े हैं, राजकोषीय एक्सपर्ट हैं, योजना आयोग के मेंबर रहे हैं, ठीक है, ये सब उनका अनुभव है। उनके नेतृत्व में ये समिति बनाई गई है, ठीक है, 15वें वित्त आयोग की। और वित्त आयोग को ये देखना है कि जो जीएसटी लागू किया गया, एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के तहत जो दायित्व तो होता है वो सब तो 15वें वित्त आयोग को निभाना है, लेकिन उसके साथ साथ जाएंगे तो उसके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि जीएसटी का इम्पैक्ट अभी तक पता नहीं है कि जीएसटी जो लागू किया गया, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके उसको उसको लागू किया गया है, तो उसका केंद्र के राजस्व पर और उसका राज्यों के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इवन इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राज्यों की आय का तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अप्रत्यक्ष कर होते थे और जब भी राज्यों को अपनी आय बढ़ाने की जरूरत होती थी तो वो नया इनडायरेक्ट टैक्स या एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स के रेट बढ़ा करके अपने रेवेन्यू आधार को बढ़ा लेते थे और जो राजकोषीय चुनौतियां उनके सामने होती थी उसको वो हल कर लेते थे। लेकिन अब के टाइम पे तो जीएसटी के कारण राज्य तो नए कर लगा भी नहीं सकते और जो एग्जिस्टिंग कर है उसमें कोई वृद्धि भी नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में किसी पर्टिकुलर राज्य के पास अगर राजस्व की चुनौती हो जाए तो फिर उसके लिए तो उसके जैसे ग्रीस वाली है, ग्रीस वाली स्थिति हो जाएंगी, यूरोपीय यूनियन के भाग के रूप में ग्रीस पीछे पीछे घिसट रहा है और उसके सामने इतनी चुनौतियां आ गई। तो कोई राज्य है, राज्य अगर 7th पे कमीशन लगा दे, उसके पास राजकोषीय चैलेंजेस आ जाए तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इनडायरेक्ट, चूंकि डायरेक्ट टैक्स राज्यों के पास बहुत कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेज ही उनके मेन होते थे। तो ऐसी स्थिति में जो जीएसटी लागू किया गया है इसका केंद्र के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, राज्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह एक डेस्टिनेशन टैक्स है, जबकि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो एंट्री टैक्स थे, वैट जो उत्पादक राज्य था वो वसूलता था और जो जहां बेचा जाता था वो पे करता था। जीएसटी में है कि जो उत्पादक राज्य है उसको नहीं मिलेगा जीएसटी, जो जीएसटी का जो एसजीएसटी पार्ट है उत्पादक राज्य को नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है कंज्यूमिंग स्टेट को। तो एकदम से शिफ्ट माने रेवेन्यू शिफ्ट हो रहा है, जो बनाता था उसको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, जो खा रहा है, जो उसको खरीद रहा है उसको टैक्स मिल रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसके रेवेन्यू में क्या वृद्धि हुई और जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसके रेवेन्यू में क्या कमी आई, ये सब बातों की समीक्षा और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुरूप 15वें वित्त आयोग द्वारा अपने अक्टूबर 2019 तक सुझाव दिए जाएंगे और उसके बाद फिर उसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। तो ये सब इसमें इकोनॉमिक्स के कई सारी बातें हैं जो कि इसमें चर्चा में, विदेशी निवेश को लेकर के सरकार बहुत ही काफी सक्रिय है और सरकार की कोशिश हो रही है कि निजी निवेश, विदेशी निवेश के संदर्भ में जो भी बाधाएं हैं उस बाधाओं को खत्म किया जाए, देश में बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी पूंजी आए और उसकी बाधाओं को खत्म करने की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पिछले 3 सालों में भारत के स्थान में 42 अंक का सुधार हुआ है और आगे जैसा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जितने आधार हैं उन आधारों में जो ऑलरेडी काम हो रहा है उसके आधार पर अगला जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आएगा उसमें भारत के स्थान में और सुधार होगा। और इस सुधार के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो देश के अंदर जो निवेश है और निवेश का व्यवहारिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, ठीक है, उसका जो रियलाइजेशन है जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है और पता चला कि जमीन पे आ नहीं पाता है, बीच में इतनी बाधाएं हो जाती हैं, तो वो सब रियलाइजेशन उसका बढ़ जाएगा, उसका क्रियान्वयन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी।
लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक मैसेज होता है कि जो बाहर से जब निवेशक आता है, ठीक, तो वो उस लिस्ट में उन पोटेंशियल जो कंट्रीज हैं जहां पे उसको जाना है, उसका इस तरह के क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग को वो देखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उस देश का पोजीशन देखता है, और उसी से वो अनुमान लगा लेता है कि वो देश उसके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है या उसके लिए कितना सरल है। अब आप सोच खुद सोच के देखें कि अगर 142वां स्थान पे अगर भारत है, तो फिर निवेशक भारत के बारे में, भारत में निवेश करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। लेकिन वही अगर भारत का 60वां स्थान हो जाए या 50 के अंदर स्थान हो जाए, तो फिर वो बिना सोचे समझे भारत में निवेश के लिए आ जाएगा, और निवेश के लिए आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो उन सुविधाओं के अनुसार भारत में उत्पादन प्रणाली बढ़ जाएंगी, और उत्पादन प्रणाली बढ़ेंगी तो उससे जो नौजवान है, भारत एक नौजवानों का देश है, 80 करोड़ नौजवान है यहाँ पे, कहा जाता है 64% यंग पॉपुलेशन है, 64% अगर आप उसको परसेंटेज संख्या में निकालेंगे तो 80 करोड़ के आसपास नौजवानों का देश है ये, तो इससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो देश को व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, राज्य और देश को विकसित करने में सहायता मिलेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पे कदम उठाया जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, उसको भी फॉलो करने की जरूरत है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो नया विदेश व्यापार नीति है उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग जो वस्तुएं हैं उसके निर्यात के लिए क्या हो रहा है। फिर उसी तरह से जाएंगे तो सेकंड पार्ट में जाते हैं आपका सेवाओं के निर्यात के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो ये सब बातें उसमें भी आपको पढ़ने की जरूरत है। नीति आयोग की उपलब्धियां भी इंपॉर्टेंट है, और नीति आयोग में आप जानते हैं कि जो तीन उसने अपना जो दे रखा 3 वर्षीय, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो दृष्टिकोण पत्र दे रखा है 13वें पंचवर्षीय योजना के स्थान पर, तो उसका क्या 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 उसमें पॉइंट्स हैं और उससे क्या फाइनली इंडिया, वेयर इंडिया विल स्टैंड, ठीक है, की स्थिति क्या उत्पन्न होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम रहेंगे, उसमें देखेंगे। अब छात्रों के लिए एक जो अभी तत्कालिक एक घटना घटी जो कि निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान देनी चाहिए। अभी हमने देखा है कि जीटीवी पे प्रधानमंत्री ने पिछले 3 सालों में पहली बार आराम से बैठ करके किसी न्यूज चैनल के साथ उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। अब जीटीवी के चयन का एक आधार हो सकता है कि भाई वहां पे उनको इस बात का विश्वास था कि उनसे उस 1 घंटे के अंदर में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जिससे कि वो अपनी बातों को बोलने के बदले विवादों में उलझ के रह जाए। जैसे कई बार आदमी माइंडसेट में, जैसे मैं एक बहुत अच्छी बात देखा था कि जब डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक राजदीप सरदेसाई का एक इंटरव्यू था अरुंधति भट्टाचार्य के साथ, तो उसमें राजदीप सरदेसाई जो बोलना चाहते थे, अरुंधति भट्टाचार्य SBI की चेयरमैन होने के नाते उन्होंने बड़े अच्छे थे 45 मिनट के अंदर में डीमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट था, कैसे उसको क्रियान्वित किया गया, एक उन्होंने व्यवहारिक बातें सारी बताई थी। जबकि राजदीप सरदेसाई कई बार चाहते थे कि उनको विषयों से या जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसमें उनको घसीट के ले जाए, लेकिन अरुंधति भट्टाचार्य उसमें गई नहीं थी, उन्होंने अपनी बातें बोल दी थी। यूट्यूब पे वो इंटरव्यू है, और विमुद्रीकरण के ऊपर कोई भी छात्र जा करके उसको देखे, वो अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है वो, ठीक है। विमुद्रीकरण पर उनके जो अप्रोच है, जो परीक्षा की मांग है, वहां से भी क्लियर हो सकता है। अभी उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जीटीवी को जी न्यूज का चयन किया, सुधीर चौधरी का इंटरव्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उसमें कई लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, कई लोग कुछ हैं, देश विभाजित है, ओपिनियन को लेकर के देश काफी विभाजित है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा पिछले 3 सालों में जो जो बातें कही गई हैं, जो जो मुद्दे उठाए गए, जो जो काम किए गए, उसका उन्होंने उसमें एक एक करके विवरण दे रखा है। हमें क्या करना होगा, जब हमें उनकी बातों को सुन लेना चाहिए, वो यूट्यूब पे भी होगा, चाहे ट्विटर पे भी होगा, जी न्यूज के चैनल पर भी है, सब जगह है। उसमें उन्होंने हर जो भी पिछले दिनों में घटनाएं घटी हैं, आर्थिक घटनाएं घटी हैं, राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, उसको ध्यान से देखा जाए, कॉपी कलम पे उसको नोट किया जाए। हाँ, निश्चित रूप से लास्ट में अगर आप उसे सहमत नहीं है या कोई ऐसा ओपिनियन है जो वो बोल रहे हैं उसका खंडन है, तो आप साथ में खंडन भी लिखिए, क्योंकि प्रश्न में दोनों तीनों पार्ट होता है भाई, टॉपिक की बातें होती हैं, उसमें क्या सरकार ने कदम उठाया, ठीक है, क्या उपलब्धियां रही, उपलब्धियों के बाद दूसरे जो पक्ष होते हैं वो बताते हैं कि आप जो उपलब्धियां बोल रहे हैं वो इस तरह से नहीं है, उसके ये उसके उसके क्रिटिसिज्म उसके हैं, तो आप उस सब बातों को लिखिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसको छोड़ करके केवल अपनी सोच के अकॉर्डिंग, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र का न तो कोई रिलीजन होता है, न तो कोई कास्ट होता है, न तो उसका कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है, वो प्रश्न की मांग जो होती है, प्रश्न की मांग के अनुसार उसका उसको अपनी बातों को लिखना होता है, और उसके लिए जहां जहां से कंटेंट मिले। तो प्राइम मिनिस्टर वाले में हमने लास्ट, अब ये इसके बाद इस चर्चा को हम लोग विराम देंगे। जो प्राइम मिनिस्टर वाले में सबसे अच्छी बात मुझे एक जो लगी उसमें, जो उन्होंने रिप्लाई दिया था, उस रिप्लाई में एक बेरोजगारी वाली बात थी, बेरोजगारी की उनका कहना, जैसे सुधीर चौधरी ने उनसे पूछा कि आपने 5 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात करी थी 1800 दिनों में, 5 साल को उन्होंने दिन में कन्वर्ट किया था, 1000 महीने, 1800 दिनों में 1000 दिन से ज्यादा खत्म हो चुके हैं,
अब बताइए कि अपने रोजगार के मुद्दे पे आपकी क्या उपलब्धियां रही। तो आपने एक जो श्रम मंत्र जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके रिपोर्ट के अनुसार आपने 4.5 लाख के रोजगार के अवसर पैदा किया, इसमें उन्होंने कहा। तो उसके ऊपर से उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि ईपीएफओ इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा ईपीएफ खाते खोले जाते हैं और ईपीएफ खाते वेतन भोगियों के लिए होता है, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि भाई 70 लाख ईपीएफ ने ईपीएफओ के तहत 70 लाख ईपीएफ खाते खोले गए हैं, जिसमें नाम और आधार और ये सारी चीजें होती है। खैर, हमें डेटा में नहीं जाना है, हमारे लिए है कि ईपीएफ वाला एक मुद्दा है। उसी तरह से उन्होंने एक बात कही कि मुद्रा योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है और 3.5 करोड़ लोगों ने स्वरोजगार किया, ये भी रोजगार के। तो हम जब बेरोजगारी हमारा आईएएस के सिलेबस का एक टॉपिक है उसमें जब जाएंगे, तो जब रिप्लाई रोजगार के अवसर, तो उसमें कई सारी चीजें लिखेंगे, दक्षता विकास के लिए लिखेंगे, ठीक है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में जो संशोधन किया गया उस पर लिखेंगे, या उसी तरह से दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, अर्बन, ये सब की बातें लिखेंगे। लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में, ऐसा लिखा जा सकता है, जो प्रधानमंत्री एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के हेड नहीं होते हैं, जिसको कि आप उत्तर में नहीं लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं, उनके द्वारा इस रोजगार के जो पिछले 3 सालों में 4 सालों में जो रोजगार के अवसर विकसित किए गए हैं उसको इस रूप में व्यक्त किया गया, ठीक है। अगर कोई बड़ा इकोनॉमिक एक्सपर्ट, उसका कांग्रेस पार्टी के खंडन नहीं लिखेंगे, कोई बड़ा इकोनॉमिक एक्सपर्ट अगर इन बातों का खंडन करता है तो उसको वहां पे कोट किया जा सकता है। खैर, मुझे लगता है कि जो आपको उसके उस इंटरव्यू को भी देखना चाहिए, उसमें एक साथ चुनाव, जिसको भारत में 4 चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, प्लस ग्राम पंचायतों का चुनाव, और पूरे देश में चुनाव का ही महोत्सव होते रहता है, उस मुद्दे पर भी बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो उसको भी देखने की कोशिश देखनी चाहिए, उससे भी आपको आपके कंटेंट के लिए जो विविध सिविल सर्विस की जो चुनौती है उसमें जो विविध ज्ञान की आपकी जरूरत है, उस विविध ज्ञान के लिए उसमें कुछ कंटेंट आपको, कंटेंट इनरिचमेंट में आपको मदद मिलेगा, कंटेंट को बढ़ावा देने में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। बाकी तो क्लास चल रही है, क्लास में हर मुद्दे पे, नए मुद्दों पे चर्चा होती रहती है, WTO की बैठक हुई है ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना में, वो भी एक मुद्दा है, ठीक है। तो ये सब बातें क्लास में चर्चा में आती हैं और हम लोग इसको चर्चा करेंगे रेगुलर नियमित क्लास में, जो कल भी, कल GST के मुद्दे पे चर्चा है, उस सुबह में 9 बजे से 9-9 घंटे की क्लास यहाँ पे हो रही है। राजस्थान, इस मामले में मैं उस राजस्थान को शाबाशी देता हूँ, राजस्थान के साहस की, जो सबसे बड़ी बात है लड़कियों की जो घर से आती हैं 9-9 घंटे क्लास में, इकोनॉमिक्स जैसे जो कहा जाए कि कम इंटरेस्टिंग जो विषय होता है उसमें 9 घंटे 10 घंटे यहाँ बैठी रहती हैं, इस बात को मैंने दी। तो मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे है, जोधपुर में है, जयपुर में है, कई जगह मैं देखता हूँ 10-10 घंटे लोग बच्चियां यहाँ बैठी रहती हैं, जो कि अन्य शहरों में मुझे देखने को नहीं मिलता है, दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है, इलाहाबाद में, पटना में, रांची में, कई शहरों में हम लोग जाते हैं, वहां पे देखने को नहीं मिलता। राजस्थान के बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, वो RAS में, IAS मेंस में सफल हो, इस बात के, IAS मेंस में सफल हो, फाइनली उत्तीर्ण हो, इस बात के लिए हमारी तरफ से शुभकामना, धन्यवाद।